हेलो एवरीवन वी आर लुकिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन्स ब्रॉडली मैंने बता रखा है पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं दे कैन बी प्रोटोजोआ और दे कैन बी हेलमेंट्स सो हेलमेंट्स भी तीन टाइप के होते हैं सिस्टोड्स ट्रेमाटोड्स एंड नेमाटोड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू लुक ओवर दीज सिस्टोड्स क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में ये बता रखा है मैंने जनरल पैरासाइटोलॉजी के वीडियो में नाउ स्टार्टिंग विथ सिस्टोड्स सिस्टोड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसको हमने पहले ही वीडियो में याद कर रखा है इट इज एस थ्री ए बी एच एस थ्रीमीन्स सेप सेगमेंटेशन सेक्स ए फॉर एलिमेंट्री कैनाल बी फॉर बॉडी कैविटी और सिलोम एंड एच फॉर हेड इसको हमने पहले ही कवर कर रखा है एग्जाम्पल्स भी मैंने बता रखा है सिस्टोड्स का एग्जाम्पल होता है ई डी टी एच सो ब्रॉडली इनको दो अलग अलग कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं दे कैन बी सोमैटिक सिस्टोड्स और दे कैन बी इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स सो सोमैटिक सिस्टोड्स स्टार्ट करते हैं सो जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ई ई स्टैंड फॉर इकाइनोकोकस इट इज सोमैटिक सिस्टोड सो हियर इट इज सोमैटिक सिस्टो इकाइनोकोकस नेक्स्ट वी हैव इंटेस्टाइनल जो डी टी एच बचा हुआ है दे आर मेनलीस्टोड सो दे आर इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स आर डी फॉर डाइफाइलोबोथरियम डाइफाइलोबोथरियम लैटम देन टी फॉर टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजाइनाटा देन एच फॉर एच फोर हाइमिनोलेपिस नाना ये तीनों इंटेस्टाइनल होते हैं डाइफाइलोथ्रियम टीनियाजा एंड हाइमिनोलेपिस इंपॉर्टेंट क्या है यह जो टीनिया सोलियम है टीनिया सोलियम इट कैन ऑल्सो एक्टैच सोमैटिको मेनली इनका इंटरमीडिएट होस्ट मैन नहीं होता है टीनिया सोलियम का अगर इंटरमीडिएट होस्ट मैन नहीं है देन दे विल एक्टैच इंटेस्टल सिस्टो नो सिस्टोर्ड्स में हमने ब्रॉडली तीन जनरल रूल्स बना रखा है जो सारे सिस्टोर्स फॉलो करते हैं सो so, पहला रूल क्या है कुछ एक्सेप्शन भी है उसको बाद में देखेंगे सो मोस्ट ऑफ द सिस्टोव मोस्ट ऑफ दिस्टोर्ड है इसको क्या बोलेंगे अगर सिक्स हुक्ट है एज हेक्साकेंथ इम्ब्रियो और ओंको स्पेयर यू कैन सी यहाँ पे इट इज एग वॉल और इसके अंदर क्या है एग, एग के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो दीज रेड रेड सिक्स

सो so, इनके पास क्या है सिलिएटेड लार्वा और ऊपर में यू कैन सी यहाँ पे एक ओपरकुलम होता है दिस वन इज ओपरकुलम और अपोजिट एंड पे देर इज अब अब याद कैसे रखेंगे सो so, डाइफोथम लेटम में एल फॉर लेटम एंड एल फॉर लीड लीड का ही साइनो नेम है ओपरकुलम वेरियस एग्स को दिखा रखा है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है दिस वन इज एग्स एल उसके अंदर क्या है

यानी उनका सीधा साधा जीवन होता है ये लाइंस हमेशा याद रखना है सो so, नाना जी साफ सुथरे हैं तो इनका एग कैसा होगा इट विल बी नॉन बाइल स्टैंड यहाँ पे देखो एच नाना एस का एग इट इज नॉन बाइल स्टैंड वी हैव थर्ड रूल ऑल सिस्टोर्ड्स है लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन वही नाना जी हैं। नाना जी सीधे साधे हैं उनका सिंपल लाइफ साइकिल है इंडिपेंडेंट है एच नाना मैन इज द ऑनली होस्ट यानी सिंपल लाइफ साइकिल है देन वट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टोर्ट्स लेट्स के पास एक हेड होता है दिस वन इज हेड हेड को बोलते हैं स्कोलैक्स और इस हेड के ऊपर क्या होता है देर आर मस्कुलर शक्कर दिस वन इज मस्कुलर शक्कर कुछ सिस्टोर्ट्स में क्या होता है देअ इज अ प्रोजेक्शन फ्राम हेड इसको बोलते हैं रोस्टेलम और रोस्लम के ऊपर क्या होता है यू कैन सी ये ब्लैक ब्लैक दे आर हुक्स हुक्स क्या करते हैं हुक्स हेल्प करते हैं पेनिट्रेट करने में गट वाल को इंटेस्टाइनल वाल को देन यू कैन सी हेड के बाद नेक है वट इज नेक सो नेक एक्ट एज अ फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेगमेंट्स और सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स यहां पे जो इनिशियल सेगमेंट होंगे नेक के जस्ट पास होंगे दे आर इच्योर प्रोग्लॉटिड्स और जो दूर जाएगा यानी सेगमेंट अब मैच्योर है दे आर कॉल्ड मैच्योर प्रोग्लॉटेड सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टोड्स अब वेरियस सिस्टोड्स को डिटेल में देखेंगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ईडीटीएच का पहला इकाइनोकोकस ग्रेनुलस सो इकाइनोकोकस ग्रेनुलस इसका लाइफ साइकिल अब यहां पे डेफिनेटिव होस्ट मैन नहीं होता है डेफिनेटिव होस्ट इज डॉग इकाइनोकोकस ग्रेनुलस इज आल्सो कॉल्ड डॉग टेपवॉर्म यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट डॉग है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉग टेपॉर्म तो हम क्यों पढ़ रहे हैं मैन का पैरासिटिक इन्फेक्शन से क्या लेना देना है जब वो डेफिनेटिव होस्ट है ही नहीं मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज मैन एंड सिप मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैन इज इंजेशन इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विथ एग्स एग्स ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेनुलोस अब इसको कैसे याद रखेंगे सो so, एक वर्ड याद रखना है लाई एल आई ई झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन हमें याद रखना है लाई यहां पे आई स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट होस्ट अब लाई में जो एल है यानी लार्वा लिव्स इन इंटरमीडिएट होस्ट लार्वा लिव्स इन टिश्यू ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट और जो ई e है यानी एग्स एंटर्स द इंटरमीडिएट होस्ट एग्स एंटर्स द इंटरमीडिएट होस्ट सो मैन क्या था इंटरमीडिएट होस्ट था सो so, इंटरमीडिएट होस्ट में एग एंटर करेंगे इसीलिए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाज इंजेशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विथ एग्स तभी तो इंटरमीडिएट होस्ट को ट्रांसमिट होगा सो so, हमें क्या याद रखना है लार्वा लार्वा लिब्स इन इंटरमीडिएट होस्ट पहला लाइन ये याद रखना है दूसरा एग्स एंटर इन इंटरमीडिएट होस्ट नाउ अब ये जो लार्वा है लार्वा मैन के अंदर रहेगा यानी इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर रहेगा इस लार्वा को बोलते हैं ही, ही है, टिश्यू के अंदर और ये टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करेगा सो लार्वा इज कॉल्ड हाइडाटेड सिस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है हाउ इट लुक्स लाइक यू कैन सी जो सिस्ट का वाल होता है ये तीन लेयर का होता है फर्स्ट एस्ट देन एक्ट्रोसिस्ट देन एंडोसिस्ट अब पेरिसिस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई होस्ट रिएक्शन होस्ट प्रोड्यूस करता है सो इसके अंदर क्या होंगे इसके अंदर यू कैन सी ब्लड वेसल्स एंड देन आर सर्टेन दीज आर दीज वाइट 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 फाइब्रो देन वी हैव एक्टोसिस्ट एक्टोसिस्ट क्या होता है इट इज ए सेलुलर इसके अंदर लैमिनेटेड लेयर्स होंगे जो हलाइन लेयर्स होंगे एंड देन एंडोसिस्ट एंडोसिस्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सिस्ट वाल और ये जर्मिनल लेयर होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल लेयर अब ये जो जर्मिनल लेयर है, इससे क्या निकलेगा इट क्या होगा यहां पे आप देख सकते हो दिसक्स और ये ब्रूड पाउच जर्मिनल लेयर यानी एंडोसिस्ट से अटैच है हेल्प ऑफ टाक एंड जो देख रहे हो आप इट इज डॉटर सिस्ट डॉटर सिस्ट अब ये जो आप देख रहे हो स्कोलेक्स है वो एक्स जो ब्रूड पाउच से डिटैच होकर नीचे गिर गया इसको बोलते हैं हाइडाटेड सैंड यू नीड टू रिमेंबर हाइडाटेड सैंड अब ये जो लार्वा है हाइडेटेड सैंड इट विल गेट डिपोजिटेड इन टू वेरियस टिश्यू तभी तो ये टिश्यू से स्टोर्ड है सोमैटिक से स्टोर्ड है सो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्मलेशन इट इज लिवर सबसे ज्यादा लीवर में जाके ये स्टोर हो जाते हैं देन सेकेंड मोस्ट साइट इट इज लंग्स

ये जो सिस्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट इसका जो ल्यूमेन होता है इट इज फिल्ड बाय अ फ्लूड जो वाटरी होता है इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होता है इट इज हाईली एलर्जिक फ्लूड सो अगर ये बर्स्ट हो रहा है so, अगर टिश्यू में एक्मुलेट हो रहे हैं यू कैन गो फॉर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग देन यू कैन गो फॉर सीरोलॉजी दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपने पास क्या है सर्जिकल रिमूवल ऑफ दीजेड अलबेंडाजोल को कैसे उसको पैरालाइज कर देगा सो ड्रग ऑफ चॉइस इट इज अल्बेंडाजोल वी हैव वन मोर ट्रीटमेंट इट इज पेयर पी ए आई आर परियस एस्पिरेशन इंजेक्शन एंड री एस्पिरेशन अब इसमें इंजेक्शन किस चीज का करते हैं हम कुछ स्कोलिसाइडल एजेंट्स का इंजेक्शन कर देते हैं नाउ द सेकेंड सिस्टोड ई डी टी एच सेकेंड इज डी डाई फाइलोबोथ्रियम लेटम डाई फाइलोबोथ्रियम लेटम सच अ लॉन्ग नेम एंड इट इज लॉन्गेस्ट लॉन्ग नेम लॉन्गेस्ट टेप इसको फिस्ट टेप आम भी बोलते हैं और ये इतना लंबा होता है दे कैन बी फिफ्टीन मीटर लॉन्ग कैसे याद रखेंगे कुछ बुक्स में टेन मीटर लॉन्ग भी दे रखा है सो दैट्स नॉट एन इश्यू फिस्ट एपॉर्म एफ फॉर फिश यू कैन सी एफ फॉर फिश एंड एफ फॉर नाउ लाइफ साइकिल पे डेफिनेटिव होस्ट इज मैन तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन से हैं इंटरमीडिएट होस्ट दो है पहला एंड देन दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट आता है पहला इंटरमीडिएट होस्ट इज साइक्स एंड सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इज फिश सो इसको फिस्ट एपॉर्म क्यों बोलते हैं क्योंकि जब मैन को इन्फेक्शन होगा ये फिश से ही होगा अगर मैन फिश कंटेनिंग लार्वा उसको खा रहा है देन मैन विल गेट इन्फेक्टेड अब याद कैसे रखेंगे पहला कौन सा और दूसरा कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट है सो अल्फाबेट सी पहले आता है एंड देन एफ आता है सो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज साइक्लोब्स एंड देन फिश साइक्लोब्स क्या होते हैं दे आर फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस ब्रॉडली ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं अब इसके अंदर लार्वा होता है इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या होता है लार्वा हमने पहले ही याद कर रखा है लाई एल आई ई यानी इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर लार्वा रहता है सो so, साइक्लोप्स के अंदर इट इज प्रो सर्कोइड लार्वा एंड फिश के अंदर इट इज प्लीरो लार्वा नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन सो पहले ही बता रखा है मैन गेट्स इंफेक्टेड बाई एटिंग फिश कंटेनिंग लार्वा फिश इंटरमीडिएट होस्ट है इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर लार्वा ही होगा ना व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स मोस्टली यहाँ पे भी ए सिम्टोमेटिक होगा लेकिन अगर सिम्टम आएंगे तो ये माइल्ड तो सिम्टम्स अब माइल्ड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं इट कैन बी एबिनल पेन डायरिया बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिकल फीचर क्लासिकल फीचर इट इज मेगैलो ब्लास्टिक अब मेगैलो ब्लास्टिक अनिमिया क्यों होता है क्योंकि ये जो पैरासाइट है दिस पैरासाइट इट फीड्स ऑन विटामिन बी ट्वेल्व एंड देन इट ऑल्सो एनिबिट्स इलियल एबजॉर्ब विटामिन बी ट्व सो विटामिन बी ट्वेल्व को एक तो वो ले लिया

आपको पता है ये डाई का नाम डाई क्यों रखा गया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है देखते हैं एक्चुअल में यू कैन सी यहां पे इसका हेड है इट इज हेड और हेड्स आर आल्सो कॉल्ड स्कोल अब हेड में क्या होता है सो so, यहां पे सेपरेट कर रखा है हेड को यहां पे हेड के ऊपर यू कैन फाइंड टू ग्रुप्स टू सेक्टोरियल ग्रुप्स और ग्रुप्स को ही बोलते हैं बोथरिया सो दे आर नेम्ड डाइफाइलोबोथरियम लेटम सो अब हमने दो देख लिया है ई एंड डी वी आर लेफ्ट विथ टी एंड एच सो टी इट इज टीनिया सो नाउ थर्ड टीनिया स्पीसीज यहां पर इट कैन कॉज इंटेस्टाइनल टीनियसिस अगर ये इंटेस्टाइनल होंगे दे विल कॉज इंटेस्टाइनल टीनियसिस वी हैव सेकेंड टाइप सोमैटिक सिस्टोड लाइक टीनिया सोलियम इट कैन कॉज सिस्टी सर्कोसिसकस क्या है इट इज लारवा और सिस्टी सिस्टीसर इट इज अ डिजीज इन विच लार्वा गेट्स अकूमुलेटेड इन टिश्यू ऑफ मैन इसको बाद में देखेंगे सो वी आर स्टार्टिंग विध इंटेस्टाइनल टीनियसिस इट इज कॉज बाई दो लाइफ साइकिल सो डेफिनेटी होस्ट तो मैन है लेकिन दोनों का इंटरमीडिएट होस्ट अलग अलग है टीनिया सोलियम के केस में इट इज पिग हेंस इट इज कॉल्ड पॉक टेप एंड टीनिया सेजाइनेटा केस में इट इज कैटल सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिफ टेप अब याद कैसे रखेंगे अब देखो टीनिया सोलियम में इट हैज और पॉक टेप में इट हैज ओ सो टीनिया सोलियम पॉक टेप एंड द इंटरमीडिएट होस्ट इज पिग टीनिया सेजाइनेटा इट इज बिफ टेप अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैन कैसे इन्फेक्ट होगा इट विल बी इन्फेक्टेड बाई इटिंग मीट कंटामिनेटेड विथ लारवा अब ये जो पिग है या फिर कैटल है ये क्या है इंटरमीडिएट होस्ट है लार्वा लिव्स इन इंटरमीडिएट होस्ट सो मैन गेट्स इनफेक्टेड बाई ईटिंग मीट कंटेनिंग लार्वा क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर द क्लिनिकल फीचर्स यहां पे भी जीआई सिम्टम होगा पेन डायरिया अब डायग्नोसिस क्या है इट इज फीस एग्जामिनेशन वहां पे यू कैन डिटेक्ट एग्स वट इज ट्रीटमेंट इट इज प्राजिक्वांटल और अल्बेंडाजोल वही अल्बेंडाजोल क्या करेगा इट्स गोइंग टू बेंड द पैरालाइज कर देगा लेट सी द डिफरेंस बिटवीन टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजानेटा सो यहाँ पे देखो टीनिया के, के केस में यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है रोस्टेलम नहीं है हुक्स नहीं है बट टीनिया सोलियम केस में तो है साथ में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड रोस्टेलम और इस पे क्या होता है टू रॉज ऑफ हुकलेट्स सो टू रॉज ऑफ हुकलेट्स आर देयर ऑन टीनिया सोलियम अब मैंने पहले ही बता रखा था अगर मैन इंटरमीडिएट होस्ट बन जाए अगर मैन इंटरमीडिएट होस्ट की तरह एक्ट करने लगे देन इट कैन कॉज सिस्टी सर्कोसिस सिस्टी सर्कोसिस केवल और केवल टीनिया सोलियम कर सकता है ना कि टीनिया सेगेनेटा सो सिस्टी सर्कोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे इट इज अ डिजीज इन विच लार्वी गेट्स डिपोजिटेड इन टिश्यू ऑफ मैन लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल डेफिनेटिव होस्ट मैन तो है ही यहां पे इंटरमीडिएट होस्ट भी क्या बन जाता है

मोस्ट कॉमन पैरासिटिक सी एन एस इंफेक्शन इन इंडिया लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज मोस्ट कॉमन सी एन एस इंफेक्शन इन इंडिया इट इज माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड देन न्यूरो सिस्टिसकोसिस के बाद सबक्यूटेनियस सिस्टिसकोसिस भी हो सकता है मस्कुलर सिस्टिसकोसिस भी हो सकता है सबक्यूटेनियस अगर सिस्टिसकोसिस हो रहा है तो so वहां पर क्या होगा पेपेबल नोड्यूल्स होंगे पैल्पेबल नोड्यूल्स और मस्कुलर मस्कुलर सिस्टिस में मस्कुलर पेन होगा वीकनेस होगा एंड देयर विल बी सूडो हाइपर ट्रॉफी ऐसा लगेगा कि मसल का साइज इंक्रीज हुआ है बट इट इज सूडो हाइपर ट्रॉफी यू कैन ऑल्सो गेट ऑक्यूलर सिस्टिसकोसिस इट मे लीड टू लॉस ऑफ विजन वट इज द डायग्नोसिस सो यहां पर भी आप रेडियोलॉजिकल इमेजिंग कर सकते हो यू कैन ऑल्सो गो फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन

इज़ द होता है कवरिंग द एग उसके अंदर इम्ब्रियो होगा और इम्ब्रियो के अंदर क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होंगे और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा पोलर फिलामेंट्स, सो हेमिनोलेपिस नाना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इट हैज पोलर फिलामेंट्स। इन बिटवीन द एग मेम्ब्रेन एंड आपको पता है नाना जी साफ सुथरे हैं नॉन वायलिस एग्स नाउ What is the treatment? Again, it is Praziquantel. This is all about Cystodes, infection caused by various Cystodes. Thank you so much.